पहले आपने 20,000 नौकरियों का उस बात को सुनी, 2061 वन भर्ती हो रही है, 6,000 लेक्चरर टीजीटी जेबीटी ड्राइंग टीचर हो रहे हैं, 5,000 हमारे मल्टीपर्पज वर्कर आईपीएच में भर्ती हो रहे हैं, 874 पटवारी हमारे भर्ती हो रहे हैं, और हमारे अभी ऑपरेशन थिएटर वाले भर्ती हो रहे हैं, 700 के करीब हमारी स्टाफ नर्सिस भर्ती हो रहे हैं। ये सब 15,000-20,000 रोजगार के अवसर अभी मार्च से पहले निकल जाएंगे। तो जेओआईटी 817 के सर, जेओआईटी 817 के अभ्यर्थियों से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मिले हैं। सर, मुद्दा लंबे समय से अटका पड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे युवा साथी है, इन बेचारों ने 2020 में अपना टेस्ट दिया, 4 साल से इस आशा के साथ कि इनका रिजल्ट निकलेगा, लेकिन कानून तो लॉ डिपार्टमेंट का उसमें व्यू पॉइंट लिया जा रहा है, और हम उस रिजल्ट को हमारी सरकार ने फैसला किया कि उस रिजल्ट को निकालना है जी। तो थोड़ा सा भी उसको देखने के बाद इनका रिजल्ट जो है बच्चों का निकाल दिया जाएगा। सर, मार्च महीने तक आपने कहा है 20,000 भर्तियां की जाएंगी, क्या उसमें ये जेओआईटी 817 के अभ्यर्थी? ये तो बेचारे 4 साल से जो टेस्ट दे के बैठे हुए वो लोग है। नहीं, नियुक्तियां मिल जाएंगी इन्हें तब तक? वो निश्चित है, अभी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद इनके जो सिलेक्ट होंगे उन्हीं को नियुक्तियां मिलेंगी ना, सबको तो नहीं मिलेगी। यानी कि 3 महीने में मतलब आप हल कर बात तो सुनिए कि आप सुनिए जी, पहले आपने 20,000 नौकरियों का उस बात को सुनी, 2061 वन भर्ती हो रही है, 6,000 लेक्चरर टीजीटी जेबीटी ड्राइंग टीचर हो रहे हैं, 5,000 हमारे मल्टीपर्पज वर्कर आईपीएच में भर्ती हो रहे हैं, 874 पटवारी हमारे भर्ती हो रहे हैं, और हमारे अभी ऑपरेशन थिएटर वाले भर्ती हो रहे हैं, 700 के करीब हमारी स्टाफ नर्सिस भर्ती हो रहे हैं। ये सब 15,000-20,000 रोजगार के अवसर अभी मार्च से पहले निकल जाएंगे। एक साल में आज तक के इतिहास में इतने रोजगार के अवसर नहीं निकले हैं जी। लेकिन पिछले जो ये तो 817 है, और भी जो रिजल्ट फंसे हुए है, हमारी सरकार उनको भी निकालना चाहती है और उसको निकालने के दृष्टि में आगे। शारीरिक शिक्षक का मसला भी अटका हुआ है, शारीरिक शिक्षक का मसला भी अटका हुआ है, बेरोजगार नहीं वो अभी हम अब सबको देखिए, सरकार में सबको रोजगार नहीं मिल सकता ना, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ना। मैं फोटो लेने।